हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 450 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, 15 फीट इंटू 30 फीट। 450 स्क्वायर फीट हाउस प्लान सिंगल बीएचके हाउस प्लान है, नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। इस तरफ 15 फीट और 30 फीट इस तरफ मिलेगा। नॉर्थ साइड नॉर्थ है, साउथ साइड इस तरफ है, वेस्ट साइड इस तरफ और इस तरफ आपको ईस्ट साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ शेयर करेंगे क्या क्या है, किधर क्या पोजीशन रखा है। उससे पहले यहीं पे वॉल आएगा, वॉल को पहले ड्रा कर लेते हैं। 9 इंच का वॉल है आउटसाइड का और इनसाइड का 5 इंच का वॉल प्रोवाइड करना है। यहीं पे स्टेयर रूम में भी विंडो छोड़ दे रहा हूँ। यहीं पे टॉयलेट, किचन टॉयलेट सारे चीज़ यहीं पे प्रोवाइड किया गया, तो देखते रहिए वीडियो को इन तक। यहीं पे विंडो रखा है, यहीं पे टॉयलेट है, वेस्ट साइड में टॉयलेट प्रोवाइड करना है, तो वेस्ट साइड में टॉयलेट प्रोवाइड किया। तो डिटेल समझा दूंगा धीरे धीरे, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरफ का प्लान आपको डेली मिलता रहेगा, हाउस प्लान रिलेटेड कंस्ट्रक्शन साइट का भी सुपरविजन भी स्टार्ट करेंगे वीडियोज़ के ऊपर प्रैक्टिकली, तो आपका बहुत नॉलेज यहीं पर मिल जाएगा। तो यहीं पर वॉल ड्रा कर लिया, उसके बाद यहीं पे जो विंडो है, विंडो का पोजीशन यहीं पे छोड़ना है विंडो, तो यहीं पे इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ऑरेंज मार्क कर दे रहा हूँ। यहीं पे टॉयलेट है, टॉयलेट का वेंटिलेशन इस तरफ से रखा। यहीं पे विंडो विंडो है, ये भी विंडो वाइट कर दिया। यहीं पे भी तो यहीं पे एंट्री है, यहीं पे एंट्री, यहीं पे 4 फीट का डोर रखा गया है, 4 फीट बाई 7 फीट का। यहीं पे मेन डोर है, स्टेयर का आप इस तरफ रहेगा, ऐसा घूम के टॉयलेट का ऊपर से इस तरफ यहीं पे आपको स्टेयर आएगा, लैंडिंग यहीं पे आएगा। तो ये जो स्टेयर है, ये जो टॉयलेट है स्टेयर केस का नीचे ये टॉयलेट बन जाएगा। तो ये भी 3 फीट, इस तरफ भी 3 फीट आएगा और यहीं पे भी जो स्टेयर आएगा वो भी 3 फीट सबसे आएगा। तो यहीं पे डाइनिंग लिविंग कम डाइनिंग हॉल मिल जाएगा और यहीं पे टॉयलेट है वेस्ट साइड में, बाथ कम टॉयलेट है और यहीं पे बेडरूम यहीं पे प्रोवाइड किया, साउथ वेस्ट में बेडरूम को प्लेस्ड कर दिया। यहीं पे बेडरूम है और साउथ ईस्ट में किचन प्रोवाइड कर दिया, ये अग्नि दिशा है तो यहीं पे किचन प्रोवाइड करना चाहिए। यहीं पे डोर है, तो इसका जो मेजरमेंट है इधर से इतना दूर तक जितना क्लियर आपको मिलेगा वो उसका मेजरमेंट है 10 फीट 6 इंच। ये जगह को आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरफ इधर से इतना दूर तक आ जाएगा 8 फीट 8 इंच। स्टेयर लेंगे तो और 3 फीट एक्स्ट्रा ऐड करना है इससे, तो उस हिसाब से मेज़रमेंट आपको आएगा। और टॉयलेट 4 फीट बाई 8 फीट 5 इंच इस तरफ है। ठीक है, और ये बेडरूम का साइज 8 फीट 5 इंच इस तरफ और लेंथ जो है 12 फीट। किचन छोटा सा किचन है, 4 फीट 8 इंच विड्थ है, थोड़ा सा मॉल्स किचन हो गया और 8 फीट
7 इंच इसका लेंथ है, ठीक है। और यहीं पे जो विंडो प्रोवाइड किया, वेंटिलेशन विंडो, विंडो का साइज 5 फीट बाई 4 फीट, बेडरूम का भी 5 फीट बाई 4 फीट विंडो है, वेंटिलेशन 14 इंच बाई 14 इंच, और किचन का विंडो 3 फीट बाई 3 फीट आपको प्रोवाइड करना है। और यहीं पे बेडरूम का डोर 3 फीट है, 3 फीट बाई 7 फीट है, किचन का 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट, टॉयलेट का भी 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट हिसाब से इसको बैठाना है। और यहीं पे जो आपको कॉलम है, कॉलम पोजीशन जो है, कॉलम किधर से सेट करना है देख लीजिए। कॉलम यहीं पे अंदर में बीच में कॉलम नहीं बन देंगे, क्योंकि एक कॉलम से एक कॉलम तक आप मैक्सिमम 16 फीट आसानी से गैप रख सकते हैं, तो 15 फीट हो रहा है आउट टू आउट, तो यहीं पे कॉलम साइज यहीं पे ऐसा करके कॉलम हम अवॉइड करेंगे, इस तरफ। तो आपको नंबर ऑफ कॉलम जो है बहुत ही कम हो जाएगा, इस तरफ एक देना है, इस तरफ एक देना है, तो 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 नंबर कॉलम से आपका ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे 4 फीट है और ये 8 फीट है, इस तरफ है तो 4 8 फीट, मैक्सिमम 13 फीट इसका होगा और इसका 12 फीट है, और इस तरफ आउट टू आउट 15 फीट है, ठीक है। तो इस तरफ का कॉलम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपका लगे कि बीच में एक एक कॉलम प्रोवाइड कर दो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो बिल्डिंग कॉस्ट है, यहीं पे बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा 5 लाख 5 टू 5.5 लाख, यहीं पे बिल्डिंग कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट 5 टू 5.5 लाख ओनली सिंगल फ्लोर में आएगा, ग्राउंड फ्लोर में इतना खर्च में आपका टोटल बिल्डिंग रेडी हो जाएगा। और ये जो डिजाइन G+1 आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और रिव्यू कर लीजिए। यहीं पर जो कॉलम प्रोवाइड करना है 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम यहीं पर प्रोवाइड करना है, और फुटिंग यहीं पर 5 फीट बाई 4 फीट फुटिंग यहीं पे अवॉइड करना है, और थिकनेस 10 इंच रखना है फुटिंग का, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो को, थैंक यू।